ये सदैव ने ना कसम खाती हुई है ये ने मेरा फोन चुकना नहीं किते कोई पंगा तो नहीं पै गया। ओहो दीदी जी कदे कदे ते तुसी ना नाटकां दी बुढ़िया वांग गल्लां करदे जे माड़ा जिहा कुछ हुंदा नहीं ते नाल ही हया ना हो गया होवे हाय हो ना हो गया होवे हो कुछ नहीं हुंदा मेरी हले सवेरे सदैव नाल गल हुई है ते जे फिर भी तुहानू सबर नहीं है ना ते तुसी उस सपोले नूं क्यों नहीं फोन कर लैंदे तेरी आवाज तो नहीं लग रहा कोई टेंशन तो नहीं है ना नहीं मॉम ओ बस थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया बॉडी नू रेस्ट नहीं मिले ना बैक टू बैक बहुत सारी मीटिंग सी काम तो ठीक है पुत्र पर अपना भी ध्यान रख तेरे डैड कितने हैं वो फोन क्यों नहीं चुक रहे वो शायद सो गए होंगे मॉम छोटा जा पिंड है ना सब टाइम ना सो जाते हैं अच्छा तू सहदेव नु मिले वो ना तेनु मिस कर रहा सी इस करके तेनु मिलन ना तेरे कोल ही आ गया नहीं नहीं मॉम वो टाइम ही नहीं मिले मेरा भी बड़ा मन कर रहा उन्हें मिलन का पर मैं फ्री नहीं हो पाया मॉम मैंने तुम्हें कल फोन करता दूजी लाइन से सहदेव का ही फोन आ रहा हाँ जी वीर जी कितने है तू ओ मैं बस इतने मड़े बाहर आया थी तू इधर सतो जी कितने हो ले तू बाहर आ गया मैं इतने तेरा होटल च वेट कर रहा ओ ले दस तू 10 मिनट रुको मैं 10 मिनट च आ गया मैं सहदेव हॉस्पिटल की कर रहा कि तेनू मेरे एक्सीडेंट बारे शक तो नहीं हो गया नहीं नहीं हूं मैं सहदेव एक बार तो मिलना ही पेगा नहीं तो बहुत वड्डा पंगा हो जाना है कुछ ना कुछ पंगा तो जरूर है पोंपी उस पोले की आवाज तो लग रहा सी कि वो जरूर कुछ लको रहा है बड़ी सोच सोच के जवाब दे रहा सी ते फिर अचानक फोन कट दिता ये कह के कि सहदेव का फोन आ रहा है हाँ तो दीदी जी फिर सहदेव नु फोन लाओ ना पता नहीं कित्थे है सवेर दा लैक नाज तक कुछ ठीक कीता है उसने लैक ने मैं तो ये समझ नहीं आउंदी उन्हें भेजा क्यों है ठीक तो उन्हें करना की है मुसीबत होर खड़ी कर दूंगा नहीं इस तरह नहीं हो सकता इन्ने सालों की मेरी मेहनत सारी खराब हो जाएगी जिस तरह का कुछ होया ना असि महलों के सुपने वेखते वेखते ना सारे सड़कों ते आ जावांगे तू इत्थे की कर रही है ठेके बंद हो गए मेरी जड्डो मैं जिथे जावा उत्थे दारू दियां नदियां बहा दांगी तुसी अपनी फिकर करो रीटा वरजाई जी क्योंकि तुहाडी किश्ती मैनू डुबदी हुई नजर आ रही है वो की कहंदे ने तुहाडे बाप दा घड़ा हुण भर चुकिया है इस करके छेती टुटन वाला है किटी हां जी मम्मी जी किटी एनू इथों लेके जा एदे हाथ विच शराब दी बोतल फड़ा तेनू कमरे च बंद कर होश तां तड्डे उड्डे पए ने ते नशे दा इंतजाम मेरा कर रहे हो मैं ते कहनी आ कि जे तुहानू भी इन्नी टेंशन है ना तो तुसी भी एक पैग मार लो थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे किटी सुन नहीं रहा तेनू जा ना उथों लेके जा हां जी हां जी चलो चाची जी बुरे काम दा बुरा नतीजा यो बेरिटा
रिलैक्स रहो दीदी जी, तुसी रिलैक्स रहो। हाँ मम्मी जी, तुसी काम डाउन हो जाओ, मैं हुने चाची जी दे मुंह नूं बोतल लवा के आनी हाँ। तू जा, तुसी शांत रहो, तुसी को इस गटर दे मुंह लग रहे जी, इत्थों गंदी स्मेल ही आनी है। तुसी आओ, इधर आओ, बैठो, आओ तुसी। यार सवेरे पता नहीं किदा मूह वेखा ही जिहड़ा इन्ना माड़ा दिन निकलदा पिया। दिन च दूजी बार टायर पंचर, हद हो गई यार। ओ यार, मैं तां टायर नूं पंचर भी नहीं लवाया, स्टैपनी भी नहीं चेंज कर सकदा। की करां, गड्डी इत्थे ही खड़ा के जानी पैणी। की करां यार, बारो टैक्सी फड़नी पैनी। ओ आता डैड दी कार नहीं सी? डैड नू कॉल कर दा। यार डैड कॉल क्यों नहीं चक रहे? डैड ते दिवांश वीर जी ना इको जे ही ने। की करा यार। माता रानी, मेरी जिंदगी च ना सब कुछ बहुत छेती छेती हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं जानती हूँ कि तुसी मेरी आने वाली जिंदगी दे लई जो कुछ भी सोचा होया है ना, उसके पीछे जरूर कोई बहुत खास मकसद है। इसीलिए हर बार की तरह ना मैं अपनी जिंदगी दी वांगडोर तुहानू सौंप के जा रही हूँ। मेनू हिम्मत देना माता रानी, मैं अपनी जिंदगी चाहन वाली मुसीबतों का डट के सामना कर सकूं। जिस देव ने सट वेख ली तो पहला 10 सवाल तो उन्हें आप करने ने, उत्तों मम्मा नू भी दस देना। कुछ तो करना पैना है। Now it's perfect. Veer ji, ye tusi ho ki main sapna vekh raha? Overacting band kar de, andar aa. Veer ji, tuhanu pata mainu itthe aan nu kinna aukha hoya? Oh cycle wale to lift leni payi mainu. Can you imagine? Chal chaddo. ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਕੁਛ, ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਨਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡੈਡ ਦੀ ਕਾਰ ਵੇਖੀ। ਮੈਂ ਡੈਡ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਡੈਡ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨੀਂਦ 'ਚ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਡੈਡ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਿਲਣਾ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਸੌਣ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਤੇ ਕੁਛ ਖਾਣ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੌਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਦੇ। ਚਲ, ਓਕੇ।